हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F23 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका मोबाइल फ़ोन हैंग करता है तो आपको सबसे पहले ना अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पर टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, ठीक है, मोबाइल फोन का सिस्टम जो है वो काम नहीं करता है, ठीक है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको है ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है, तो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती है। तो आपके मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है, देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे नीचे की साइड आना है और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है सॉफ्टवेयर अपडेट का, इसे टैप करना है, ठीक है। अब इसके अगले पेज में आपको सबसे ऊपर ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे आपको टैप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है ना इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल कुछ भी अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे क्या होगा, आपके फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो जाएगा और आपके फोन की जो हैंगिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपके देखिए मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स हैं इन सभी ऐप्स को आपको रीसेट कर देना है, यानी कि इनका डेटा क्लियर करना है। कैसे करेंगे, देखिए आपको किसी भी आपको उंगली से दबा के रखना है, एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको ये सर्कल के अंदर जो आई बटन बना हुआ है इसे टैप करना है, ठीक है। आपका ये वाला पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको नीचे की साइड ये स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर डेटा का और दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले क्लियर कैच पे आपको टैप करना है, इसके बाद आपको क्लियर डेटा पे टैप करना है, तो एक डिलीट वाला पेज आएगा, डिलीट के ऑप्शन पे टैप करना है। आपका ये जो डेटा और ये जो कैच है इनके सामने वाला डेटा ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है ना ये मोबाइल फोन के सभी ऐप्स को रीसेट कर देना है, इनका डेटा क्लियर कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको एक काम और करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स हैं इन सभी ऐप्स को भी आपको अपडेट करना है, ठीक है। जो ऐप अपडेट नहीं है उनको अपडेट कर लेना है। कैसे, देखिए आपको अपने फोन का है ना प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर में आपको सबसे ऊपर प्रोफाइल पिक्चर होती है, प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करना है और यहाँ पर आपको ये मैनेज ऐप का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको अपडेट अवेलेबल के नीचे सी डिटेल का ऑप्शन टैप करना है, तो आपके जो भी ऐप अपडेट नहीं है वो सभी ऐप्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, तो आपको इन्हें जो है अपडेट ऑल पर टैप करके अपडेट कर लेना है, ठीक है। इससे आपके फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको है ना आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन को ना रीसेट कर देना है। देखिए दोस्तों, आपको फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते तब रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पर टैप करना है और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको टाइप करना है। नीचे की साइड आपको रीसेट का ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आ जाएगा, रीसेट पर टैप करना है। तो यहाँ पर इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये फैक्ट्री डेटा रीसेट पर टैप करना है, आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे प्रोसेस आप मेरे बताए हुए आप यूज करेंगे तो आपके फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर आपकी हैंगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पर दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपका मोबाइल फोन हैंग कर रहा है, और मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से आपका फोन हैंग कर रहा है तो मेरे बताए हुए तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।